तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब मजे में बढ़िया होंगे। और दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है मीशो रीसेलिंग बिजनेस का। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू यानी व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और दोस्तों, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट के अंदर अर्निंग सोर्स बताए थे और दोस्तों मैंने अपनी अर्निंग प्रूफ भी बताया था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा तो ट्रस्ट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ। और नाराज किस वजह से कि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, लेकिन क्या मजाल की कोई बंदा हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दे और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्यार भरी कमेंट कर दे। थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और यदि मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करके छोटे मोटे कमेंट कर दिया कर, ताकि मुझे अच्छा लगे। यार थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा और हम आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे और जेन्युइन अर्निंग ट्रिक वाली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम पाए नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे हम जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे हम OLX के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। अब बहुत से दिमाग में यही बात आ रही होगी, OLX तो पुराने दुराने माल को बेचता है। भाई साहब, OLX से यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी खासी अर्निंग करी है, और वही अर्निंग की सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी बनेगी, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर इंटरनेट है और आप नहीं चाहते एक रुपये भी इन्वेस्ट करना, तो दोस्तों यहाँ पर OLX बहुत ही अच्छी टॉपिक टिप्स है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप घर बैठे अपने बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले वाली वीडियो के अंदर मैं बता देता कि कैसे मीशो अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें OLX डाउनलोड करना है, यानी OLX पर अपना अकाउंट बनाना है। OLX पर अकाउंट बनाना तो इसमें मतलब बच्चों का खेल है। यदि कोई छोटा सा बच्चा है जो आज ही पैदा हुआ है, वो अकाउंट नहीं बना सकता, बाकी सब इस पर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर टाइप करना OLX। ठीक है, OLX टाइप किया और आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकंड नंबर पर OLX, तो यहाँ पर हम इसको जो है क्लिक कर लेंगे और यहाँ हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पर हम इसको जो ओपन कर लेंगे। ओपन करना हर किसी को आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फटाफट ओपन कर लेंगे। हो जा रहे चाचा, ये ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास में मोबाइल नंबर हुआ तो आप यहाँ OLX पर अपना अकाउंट बना लोगे, और मोबाइल नंबर नहीं हुआ तो आप ईमेल के थ्रू अकाउंट बना सकते हो। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि मोबाइल नंबर तो आपके पास में होगा, जब तभी तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू बेस मोबाइल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अलाउ करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी आप मोबाइल नंबर रखते हो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, उसके बाद इस मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर ज़्यादा कोई भाषण की जरूरत नहीं। देख पा रहा हूँ यहाँ पर कितना सा टाइम लगा, यहाँ पर मुझे ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे एक अकाउंट बनाने में, और यहाँ मेरा अकाउंट बन करके और रेडी है। ठीक है, देख पा रहा हूँ यहाँ पर मेरा अकाउंट बन के रेडी है, कोई ज़्यादा टाइम लगा, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब बहुत से लोग कहते हैं सर यहाँ पर तो पुराना दुराना आइटम सेल होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्लाइड करके देखिए, आपको यहाँ पर देख पा रहे हो ये बेडशीट, ये फर्नीचर और ये सब नया है, वो गए भैया जमाने से पुराना आइटम बिकता था इस पर OLX पर। अब सारा आइटम तुम्हें नया दिखेगा OLX पर, सारा की सारा आइटम नया दिखेगा, जो कुछ भी आपको मिलेगा मतलब। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, OLX पर अपना अकाउंट हमने बना लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पर ये देखना है कि सस्ता क्या है और सस्ते में क्या हाथ लग रहा है, और यहाँ पर हम मतलब इसको प्रमोट करते हैं, हमें कहाँ से जल्दी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है गैजेट्स वगैरह सर्च कर लो, गैजेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पर गैजेट सर्च कर लो। गैजेट्स में तो क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, तो उसको तो हर कोई खरीद लेता है। ये गैजेट्स फॉर मैन, गैजेट्स फॉर साइकिल, जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो गर्मियाँ बहुत चल रही है, दोस्तों यहाँ पर जो कूलर देख रहे हो, ये कूलर पता है कैसा है, ये वो है इसके अंदर आपको छोटी सी नीचे बर्फ़ डाल देनी है और इसको चालू कर देना, और ये भाई इतनी भयंकर ठंडी हवा फेंकता है जिसकी हद नहीं। ठीक है, सुना है मैंने, देखा तो नहीं कभी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप और भी देख सकते हो, ये सारे गैजेट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, और ये एक से गैजेट्स हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक गैजेट से लेकर के उसको प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये लाइट है, ये वाटरप्रूफ लाइट है, इसको आप पानी में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत से गैजेट्स जो है मिल जाएंगे, तो इनमें से क्या करना है, आपको एक गैजेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उस गैजेट्स को आपको यहाँ पर प्रमोट करना शुरू करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपने यहाँ पर ये देखा होगा ये भी है, या फिर आप कोई भी एक ले लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वाटरप्रूफ लाइट है। ठीक है, तो मैंने ये लिया, उसके बाद आपको करने का वही सेम प्रोसेस है, नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको करने का इसके इमेज को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है।
शेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड वाला फोटो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और इसके फोटो जो है डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OLX पर हम आएंगे, ठीक है। OLX पर आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा प्लस का आइटम यानी सेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सेल पर। आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ दिख रहा है मोर कैटेगरी, तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। मोर कैटेगरी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनक्वायरी, हम क्या करेंगे फैशन में चले जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो आइटम वो वैसे तो मैन वुमेन और किड्स सब भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं मैन, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें टाइटल डालो, तो हम क्या करेंगे बैक आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसके टाइटल को जो है कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर डालते हैं उसका टाइटल, ठीक है। यहाँ पर मैं ये डाल रहा हूँ, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इमेज को लेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा इस इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा। ये हमारे चार पाँच इमेज थे, मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मीशो पर इसकी प्राइस कितने पर हम वो चेक करते हैं पहले। जैसे मीशो पर इसकी प्राइस ओनली ऑन 93 रुपीज़ है, ठीक है, ओनली ऑन 93 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उस 93 में और उसका 73 रुपये डिलीवरी चार्ज है, हम क्या करेंगे 275 रुपये इसकी प्राइस रखते हैं, ठीक है, और कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की लोकेशन सेलेक्ट करिए, जैसे जहाँ ये आप ये देखिए कि अधिकतर हमारा प्रोडक्ट कहाँ सेल हो सकता है। तो जैसे कि आप दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप जो है बॉम्बे ले लीजिए, कोई भी आपको जहाँ अच्छा लगे। जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऐसे को ले रहा हूँ, तो उसके अंदर आप और भी कोई अच्छे जैसे एरियाज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप टोटली जो है वो ले लीजिए, ठीक है। अब जस्ट मैंने अभी यही लिया है आपको, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये ठीक है, और यदि आप चाहो तो अपना नाम वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लाइट वगैरह कुछ ऐसे लिख सकते हो, या पर आप जैसे कि सेलर लाइट, या पर अपने शॉप का नाम भी लिख सकते हो, और यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर क्लिक कर दोगे। बस एक ये छोटी सी बात है, छोटी सी पोस्ट है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर कुछ ही सेकंड में हमारी ऐड लाइव हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिकली लोग कॉन्टैक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है सिर्फ उनसे उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस ले लेना, और यहाँ से आप उसको डिलीवर कर सकते हो। तो यहाँ पर एड लाइव होने के बाद में अब यहाँ आप देख पा रहे हो जो व्यूज वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने माई एड पर क्लिक किया, और ये हमारी एड है, तो यहाँ पर अब हमें सब कुछ शो होगा, ठीक है, और कितनी व्यूज वगैरह आ रहे हैं, कितने लोग हमारे ऐड को देख रहे हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर लाइक किया, और कितने लोग हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो भी लोग आपको कमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं करना, तुरंत आपको उनको रिप्लाई देना है, और उनसे आपको यहाँ से एक जो है एड्रेस उनसे ले लेना है, ठीक है। एड्रेस लेने के बाद में और आप यहाँ से उनको ऑर्डर लगा दीजिए, और दोस्तों यहाँ से आपका जो भी 100-200 रुपए का अपने कमीशन रखा है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा, ये छोटा सा प्रोसेस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने इसको सेम इसी तरीके से वर्क किया, तो यकीन मानिए आप यहाँ OLX पर यदि पर डे की 5 सेल भी निकाल देते हो, और यहाँ पर देख पा रहे हो 5 का 10 सेल निकालोगे आप, जस्ट मैंने अभी तो शुरुआत किया, यहाँ पर आप 4 से 5 ऐड चला दीजिए, यदि आप 5 से 10 सेल चला देते हो, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।